भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा श्राद्ध के विषय में है। हमारे बहुत से दर्शक यह जानना चाहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में अपने किसी पूर्वज का उनकी तय अर्थात निश्चित श्राद्ध तिथि को वे श्राद्ध नहीं कर पाए तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं और इसमें हमें अनेक प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होता है, बहुत सी जिम्मेदारियां होती है। बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो कि बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, कभी कभी कई कई दिनों तक घर पे आना नहीं हो पाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि आपातकाल की वजह से श्राद्ध इत्यादि कार्य निश्चित तिथि पर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें कि वह श्राद्ध तिथि को श्राद्ध जो नहीं किया गया है उसके बजाय आगे कुछ कर लिया जाए? क्या आगे भी श्राद्ध इत्यादि का कोई विकल्प है? हमारे शास्त्रों के अनुसार निश्चित तिथि को श्राद्ध करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त श्राद्ध पक्ष की अर्थात आश्विन कृष्ण अमावस्या को भी श्राद्ध करना चाहिए, इसलिए उस अमावस्या का नाम सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ श्राद्ध उस दिन किया जाता है, अर्थात जिनका श्राद्ध आप पहले कर चुके हैं उनका भी पुनः श्राद्ध करें, और यदि आप किसी भी कारणवश अपने पूर्वजों का उनकी निश्चित तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो इस अमावस्या के दिन आप श्राद्ध करें। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है इस दिन आप श्राद्ध करें। इस दिन भी यदि आप निश्चित समयानुसार एवं निश्चित विधि के अनुसार श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो आपको इन दिव्य पितरों के लिए जल अर्पण अवश्य करना चाहिए। इसकी विधि हम आपको बताएंगे, लेकिन यह जल अर्पण की विधि पूर्णतया श्राद्ध नहीं है, इसे श्राद्ध का विकल्प नहीं कहा जा सकता। जो भी कार्य श्राद्ध में होने चाहिए वे अवश्य करें। यदि हम श्राद्ध तिथि पर श्राद्ध इत्यादि कोई भी कर्म नहीं करें तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इसे श्राद्ध का विकल्प बिल्कुल नहीं माने। मित्रों, सर्वपितृ अमावस्या को अर्थात श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि, इस अमावस्या को जल, उसमें थोड़ा दही, जौ के दाने जो कि बिल्कुल साबुत हो, टूटे हुए नहीं हो, और दूर्वा अर्थात दोब, इसका अग्रिम भाग, ये आप जल में डालें और यह जल आप बड़ी श्रद्धा के साथ किसी अन्य पात्र में दिव्य पितरों के लिए छोड़ें और 5 बार यह जल छोड़ें। पांचों बार आपको विभिन्न रूप से अलग अलग दिव्य पितरेश्वरों का ध्यान करना है, जिसमें कि प्रथम बार जो आप जल अर्पण कर रहे हैं ये विश्वे देव के लिए अर्पित करें, दूसरी बार जो आप जल अर्पित कर रहे हैं यह जल पिता, यदि आपके पिता जीवित नहीं है तो अपने पिता के लिए और अपने दादाजी के लिए और आपके पिता के दादाजी के लिए, इन तीनों पीढ़ियों के लिए यह जल अर्पित करें। तीसरी बार जो जल अर्पित करेंगे यह जल आपकी माता के लिए, माता आपकी जीवित नहीं है तो आपकी माता के लिए यह जल अर्पित करें। माता के पश्चात दादी के लिए यह जल अर्पित करें और उसके बाद
आपके पिताजी की दादी जी के लिए यह जल अर्पित करें। चौथी बार जो जल आप अर्पित करेंगे, यह यदि आपके नाना जी जीवित नहीं है तो आपके नाना के लिए, उसके बाद उनके पिताजी के लिए, तदनंतर उनके भी पिताजी के लिए, इन तीनों पीढ़ियों के लिए यह जल होगा। पांचवी और अंतिम बार जो जल आप अर्पित करेंगे वह भगवान श्री गणेशांबिका के लिए, अर्थात भगवान श्री गणेश और माता अंबिका, इनके लिए अर्पित करेंगे। इस प्रकार से कुल पांच बार जल अर्पित करें और विश्वेदेव, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, माताजी, दादी जी और पिताजी की दादी जी, इनके लिए तीसरी बार, चौथी बार में नाना जी, उनके पिताजी और उनके दादाजी, इन तीनों के लिए, और पांचवी एवं अंतिम बार श्री गणेशांबिका के लिए आप जल अर्पित करें और बड़ी श्रद्धा के साथ अपने दिव्य पितरों, पूर्वजों के मुक्ति एवं तृप्ति की प्रार्थना करें। ईश्वर से, भगवान से यह प्रार्थना करें कि वे आत्मा जहां भी विद्यमान हो उन्हें तृप्ति मिले और भगवान की कृपा से मुक्ति मिले। इसमें ध्यातव्य अर्थात ध्यान देने योग्य बात यह है, जो कि आप सभी जानते हैं, लेकिन हम पुनः आपको यह बता रहे हैं कि श्राद्ध उसी का किया जाता है जो पूर्वज है, अब इस दुनिया में, इस संसार में विद्यमान नहीं है, और उसी के द्वारा किया जाता है जो कि सबसे बड़ा है, परिवार में जो सबसे बड़ा है उसी के द्वारा श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि आपके पिताजी जीवित हैं तो श्राद्ध आपके पिताजी करेंगे, आप नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था बनाई गई है, पांच बार जो जल अर्पित करने के अंतर्गत जो पीढ़ियों की व्यवस्था है, उसका कारण यही है कि परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति इस श्राद्ध को, जल अर्पण, तर्पण इत्यादि कार्यों को करे। यदि आपने नियत निश्चित श्राद्ध तिथि को ब्राह्मण भोजन नहीं करवाया है तो आप अमावस्या को करवाएं। ध्यान रहे कि शास्त्रों में सदैव युग्म ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था है, अर्थात ब्राह्मण एवं उनकी धर्मपत्नी दोनों को भोजन करवाने के लिए आदेश है शास्त्रों का। केवल एक को भोजन नहीं करवाएं, शास्त्रोक्त पद्धति से ही यह कार्य करें और उन्हें द्राक्षामलक अर्थात द्राक्ष, मुनक्का और आमलक अर्थात आमला, मुनक्का और आमला किसी भी फॉर्म में आप उन्हें समर्पित करें, उन्हें दें और इसके साथ में दक्षिणा भी दें। इस प्रकार शास्त्रोक्त पद्धति से किए गए ये कार्य निश्चित रूप से आपके लिए आभ्युदयिक सिद्ध होंगे, आपके लिए पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होंगे और मुझे आशा है कि आप इसका लाभ लेंगे। ओम स्वस्थ।